आ गई। कई बार पानी लगाते और पानी लगाते लगाते फावड़ा हिलने लगता, कहते यार इसके फाना ठोक दे गिल्ला करके। वो अच्छी तरह से एक दूसरे से फावड़ा लेके फाना ठोक देते, या कोई ईंट पड़ी होती उससे ठोक देते। अब गिल्ला फाना एक बार चला गया फिर निकलता नहीं था क्योंकि फूल जाता था। वैसे मन का फाना है, जब ये अड़ जाता है ना फिर फूलता है और फिर निकलता नहीं, आदमी को बर्बाद करके छोड़ता है। तो मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। ये पवजल में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। ऐसा है मन, इसके कहने से ना चलो, ये गुरु से बेमुख दूर करवा देता है। भवसल में दुनियादारी में बुरा हाल करवा देता है। मन बड़ी जालिम ताकत है, बहुत ही जालिम ताकत। मन पे एक बात ख्याल में आई, एक बुजुर्ग औरत, आपको कई बार बात सुनाई, उसने घर में दो पालतू जीव रख रखे थे, एक बकरा और एक बंदर। बंदर आपको पता है चंचल होता है, वो टिकता नहीं, एक जगह बैठता नहीं, कूदता फांदता भागता दौड़ता रहता है। तो औरत एक दिन सब्जियां काट रही थी, कुछ फ्रूट वगैरह खा रही थी, अचानक ख्याल आया कि मेहमान आएंगे, कुछ सामान बाजार से ले आऊं। थोड़ा बादल थे, थोड़ा बरसात का मौसम तो नहीं था, लेकिन उसने सारा सामान वहीं छोड़ दिया। निगाह मारी, बकरा भी बंधा हुआ है, बंदर भी बंधा हुआ है, वो चली गई सामान लाने। अब जब सामान लेके वापिस आई तो क्या देखती है, बकरा खुला हुआ है, सारा सामान सब्जियां फ्रूट चट कर रखा है। अब बुढ़िया को गुस्सा आ गया, उसने डंडा उठाया, आप देखा ना ताप बकरे के, दे दना दन दे दना दन। अब बंदर शलांगे मार रहा है, तालियां मार रहा है जोर जोर से। अब ऊपर से एक आदमी काफी देर से बैठा हुआ था, वो कहने लगा चाची ताई ये क्या कर रही हो? कहने लगी अभी कर रही हूं, मर जाने ने सारा खा लिया मेरा बकरे ने सामान, मैं पीटू नो था क्या करूं? कहने लगा ताई सुन, ये बकरे ने नहीं किया। कहता मैं देख रहा था, बंदर ने अपना रस्सा खुलवाया, सारा सामान चट कर गया, और जब सारा सामान खा लिया बकरे का रस्सा खोल दिया, खुद गल में रस्सा डाल के आराम से बैठ गया। अब पिटाई बकरे की हो रही है, कारनामा बंदर ने किया है। तो कारनामा तो आपका मन करता है, भुगतती आत्मा है, फिर आप तड़पते हैं, बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, आपके सारे सब्ज बाग बने बनाए महल पल में धराशायी हो जाते हैं। फिर ना तो वह मां ना बाप ना बहन ना भाई, एक ही दोस्त एक ही मित्र होता है, गुरु सतगुरु मौला दाता, अल्लाह वाहे गुरु गौड़ खुदा, क्योंकि गुरु उसका पता बताता है। आदमी अपने पीर फकीर को सतगुरु मौला को याद करता है तो वो तो हर जगह साथ देता है, पर अगर कोई उसका वचन ना माने, क्योंकि वचन तो वाहिगुरु राम अल्लाह का होता है, ईश्वर का होता है, और संत तो सुनाने वाले होते हैं, ये माइक की आवाज नहीं है, ये तो एक माध्य है, मीडिया है, जैसा बोलेंगे वैसा स्पीकरों के द्वारा आप तक पहुंच जाएगा। वैसे ही फकीर एक माइक की तरह होते हैं, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान बिला लो, कि जैसा खसम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब ख्याल देता है, वैसी ही आवाज आती है, वैसी ही बात आती है। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भाई उस अल्लाह के उस वाहिगुरु के उस राम के वचन सुनो, और वचन सुन के अमल किया करो। संत कभी किसी का बुरा नहीं करते, अजी वो तो बुरा सोचते नहीं, करना तो दूर की बात, सबके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं।
ये अलग बात है। लोगों को उनकी बात कई बार पसंद नहीं आती, क्योंकि संत मन के उल्ट बात करते हैं और लोग मन मते चलना चाहते हैं। यानी वो चाहते हैं कि बात तो हमारे वाली हो, मोहर संतों की लग जाए। कई बार आपको सुनाई, एक बात और ख्याल में आ गई, बहुत पहले की बात। एक सज्जन आए और कहने लगे, गुरुजी मैंने ट्रैक्टर लेना है, कौन सा लूं? हमने कहा, भाई कितनी जमीन है? कहता, 2-3 एकड़, ऐसा कुछ बोला। तो हमने कहा, आयशर ले ले, थोड़ी जमीन, थोड़ा खर्चा होगा, फायदा होगा। कहता, जी हिंदुस्तान ले लूं। हमने कहा, भाई हमसे पूछता है कि खुद बताता है? अगर हमसे पूछता है तो हमने तो जमींदारा किया है, हमें लगता है 2-3 एकड़ के लिए आयशर ठीक है, खर्चा कम रहेगा। कहता, वो तो आपकी बात ठीक है, पर अगर हिंदुस्तान ले लूं? तो हमने कहा, ले ले, लगवा ली ना मोहर। इसमें मोहर क्या है? आपका मन चलायमान है, आप मनमते चलना चाहते हैं, फिर एक दिखावे के तौर पे मोहर लगाना चाहते हैं कि लगा दीजिए। तो आप जब धक्का करते हैं तो वो संतों के वचन नहीं होते, आपकी मन मर्जी होती है। आप अपनी मन मर्जी को फकीर के सामने रख के खुद ही पास करवा के चले जाते हैं। संतों मन के उल्ट बात करते हैं कि मन की ना मानो, ये लारे लगा के नरक ले जाए, बुरा होगा हाल। ये तो लारे लगाता है, तरह तरह के सब जो बाग दिखाता है। तो आदमी को मन की नहीं सुननी चाहिए, अपने जमीर आत्मा की सुनो, पीर फकीर की सुनो। अहंकार के घोड़े पे सवार नहीं होना चाहिए, दीनता नम्रता धारण करो। जो जितनी दीनता नम्रता धारण करते हैं उतने ही मालिक के करीब हो जाते हैं। तो संत यही कहते हैं कि आप सत्संग में आओ, सुनो और अमल करो। सत्संग सुन के जब आप मान लेते हैं तो आप थोड़ी मेहनत में भी ज्यादा फल हासिल कर सकते हैं। सत्संग सुन के जब आप मान लेते हैं, पहाड़ जैसे रोग को कंकर के रूप में भोग के फारिग हो जाते हैं। सत्संग की बात अगर आप मान लेते हो तो आपके अंत्यकरण की खुशियां चौगुनी 10 गुना हो जाती हैं। आपके अंदर आत्मिक शांति का संचार होता है, आपकी भावना शुद्ध हो जाती है, आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है। किसी की बात कहने का, सुनने का असर नहीं होता, अपने पीर फकीर की तरफ ध्यान हो जाता है। कई कहते, जी बहुत देर होगी नाम लिए, अब नूरी स्वरूप के दर्शन हुए नहीं। अपनी गलती नहीं मानेंगे, सारा ठीकरा संतों के सिर फोड़ देते हैं। आपको बात सुनाते हैं भीलनी की, कई बार आपने सुनी होगी। कहते हैं, जवानी की उम्र में उसे इश्क हो गया, ऐरे गहरे से नहीं, श्री राम विष्णु जी से। तड़पती रही और उसका एक दिनचर्या थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। सारा सुबह उठ के जल्दी, जंगल का बड़ा रास्ता था, कुटिया की पगडंडी थी, अपनी कुटिया बना रखी थी घास फूस की जैसी बन पाई। तो उस रास्ते से लेके कुटिया तक सुबह झाड़ू देती, जंगल वन में बहुत फूल थे, फूल तोड़ के लाती। जरा ध्यान से सुनिए, उस पगडंडी पे फूल बिछा देती और पालथी मार के इंतजार करती, कब दर्शन होंगे, कब दीदार होंगे। शाम को उसी तड़प में जंगल से कुछ बींदती, खा पी के सो जाती।
फिर सुबह उठती, उन फूलों को अलग कर देती, नए वाले बिछा देती। जवानी से अधेड़ और अधेड़ से बुढ़ापा आ गया। वहां के ऋषि जो भी जाते उसे बावरी कहते, ये तो बावरी है, पगली है। अरे कौन बैठी है? पगली बैठी है, बिचारी के दांत भी चले गए, कुछ कुछ सफेद हो गया सिर, बुजुर्ग अवस्था आ गई, लेकिन वो रूटीन नहीं बदला, रोजाना सुबह फूल बिछाने। और बिछा के ये पगडंडी है, सामने बैठ जाना, आएंगे भगवान, ऐसा तो हो नहीं सकता, भेलने की ना सुने, आएंगे जरूर। बैराग में रोती रहती, सुमरन करती रहती, और एक दिन सामने क्या देखती है, कोई जटाधारी बहुत ही खूबसूरत, और अंदर से पता चला कि मेरा भगवान आ गया, चला आ रहा है, और उसके साथ एक और नौजवान है। निगाह मारती है, अश्रुधारा आगे से डबल हो जाती है, ओ ये तो मेरे भगवान है, पांव को छूती है, अहो भाग्य। आजकल के कलयुगी जीवों की तरह उड़ांबे नहीं देने शुरू किते, इन्ना चिर होगा आया नहीं, मर गई मैं था, ये कलयुग है, वो भी कोई टाइम था, आज तो थोड़े दिनों में पूछ टेढ़ी हो जाती है, बड़ खा जाते हैं बैठे बैठे। तो उसने कोई उलाहना नहीं दिया, कोई ताना नहीं मारा, पांव को चूमती है, आंखों पे लगाती है, हाथों को छाती पे लगाती है, पांव से लिपट जाती है, बैराग में रोती चली जाती है, अंदर घास फूस की एक सेज बनाई है, वहां बिठाती है, पांव धोती है। आपको दुख तो नहीं हुआ? आप मेरे लिए कितने जंगलों में कष्ट सहते हुए इस कच्ची सी झोंपड़ी में आके बैठे हो, कितना रास्ता तय करके आए हो, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तड़पती है, बैराग बढ़ता जाता है, हो मैं कैसी पगली हूं, सारे पगली कहते हैं, मैंने तो आपको कुछ पूछा ही नहीं। पानी देती है, बेर रखे हुए हैं, चुन चुन के रखती है रोज, थोड़े खराब होते बदल देती है, और बेरों को खाना शुरू करती है। बेर खाती है, जो मीठा है वो श्री राम जी को देती है, और जो दूसरा उसको फेंक देती है। श्री राम जी खाते हैं, लक्ष्मण देखता है, ये क्या कर रहे हैं भैया, अरे इसके जूठे बेर, बुजुर्ग है, कपड़े बेचारे के फटे हाल हैं, पर ये तो भक्त और भगवान ही जानते हैं ना कि उसमें कितना आनंद होता है, कितनी लज्जत होती है। कहते प्रभु आपको कैसे लग रहे हैं? कहते सच बताएं भीलनी? कहते हाँ, इतना स्वादिष्ट भोजन हमने जिंदगी में कभी किया ही नहीं। तो ये है मालिक के प्यार की बात, सच्चाई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और आज का कलयुग, आज भी भीलनी जैसे भक्त हैं जो अल्लाह वाहिगुरु मालिक के प्यार में डूबे हैं, पर ऐसे भी हैं भक्ति कम करते हैं, ताने ज्यादा देते हैं। यार कब से सिमरन कर रहा हूं, कब से भक्ति कर रहा हूं, तू चलो भक्ति को खरी कसबटी पे कर उतार के देख ले, क्या तेरे को गुस्सा नहीं आता, क्या अहंकार नहीं आता, क्या काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मोह ममता, क्या इनमें नहीं डूबता? डूबता है तो अभी तक तो तेरी सफाई नहीं हुई, रूहानी स्वरूप कहां से प्रकट हो जाए? वो तो उस अदम इब्राहिम जो राजा था, जिसके ऊपर कबीर जी ने कूड़ा करकट क्या गंदगी जब गिरा दी थी, तो उसने ये बोला था कि वाह पाने वाले, मेरा मन अहंकारी इसी के काबिल था। वो तो अभी दूर की बातें हैं, अभी तो तेरे अंदर का ही कचरा साफ नहीं हुआ, रूहानी स्वरूप यूं ही प्रकट हो जाए? होता है, 100% होता है, लाखों के हुआ है, लेकिन जब हृदय साफ हो जाता है, भावना पवित्र हो जाती है, जब प्रबल इच्छा हो जाती है,
आपके मन के अनुसार अल्लाह वाहिगुरु राम नहीं चलता, उसके अनुसार आपको चलना होता है। यही है रूहानियत, यही है सूफियत। यह नहीं कि आप जैसा चाहें वैसा भी होता रहे और नूरी स्वरूप भी प्रकट हो जाए, आ भाई तेरे बिना तो मेरे बाजू आंकड़े पड़े थे, ऐसा नहीं है। आपने उसको पाना है, वो तो आपको रोज ही देखता, उसने तो आपको बनाया है। ये नहीं कि वो आपको नहीं देखता, आपने उसको देखना है। तो अपने अहंकार को थोड़ा ढीला करो, खुद ही को इतना ना ऊपर लेके जाओ कि उसी में डूब जाओ, गिर जाओ और चकनाचूर हो जाओ। दीनता नम्रता धारण करना चाहिए। अच्छे कर्म सत्संग मिला, और अच्छे कर्म आप सुन रहे हैं, और अच्छे कर्म बन जाएंगे अगर सुन के अमल कमाएंगे।